किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर के सभी अंग से निकलने वाली गंदगी या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको वह ब्लड से साफ करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती है। यह हमारे शरीर में एक जोड़े में होती है, यह पीठ की तरफ आंतों के पीछे दोनों साइड एक एक होती है। किडनी खराब होने के जो मुख्य कारण हैं उसमें है डिहाइड्रेशन होना, यानी कि पानी की कमी होना, या कोई भी कारण से हो सकता है, जैसे कि बहुत अधिक उल्टी दस्त होना, लगातार उल्टी दस्त होना, जिसके वजह से हमारे शरीर की पानी निकल जाती है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दूसरा जो कारण है उसमें व्रण होना, कोई व्यक्ति व्रण का शिकार हो जाता है, उसका शरीर का बहुत सारा हिस्सा जल जाता है तो भी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिस वजह से भी किडनी फेल हो सकता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सीडेंट वगैरह से यदि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया तो उसके वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। जो नेक्स्ट जो कारण है वो है यूटीआई। यदि हमारे शरीर में पेशाब तंत्र में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए, बहुत अधिक समय तक रहे, अगर इसका सही ढंग से हम इलाज न कराएं तो भी किडनी फेल होने का या किडनी ख़राब होने का डर रहता है। किडनी में स्टोन होना, यदि स्टोन बहुत बड़ा हो गया है और बहुत लंबे समय तक है, अगर उसका सही ढंग से इलाज न कराएं तो हाइड्रोनेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें किडनी में पानी भर जाता है, किडनी में सूजन आ जाता है, यह लंबे समय तक रहे तो इससे भी किडनी ख़राब होने का डर रहता है। बीपी शुगर का बहुत अधिक बढ़ा होना, यदि कोई बीपी और शुगर का मरीज़ है और वह बीपी शुगर का दवाई रेगुलर न खाए या सही दवाई न खाए और यह कंट्रोल से बाहर रहे, लंबे समय तक यदि बीपी या शुगर का लेवल बढ़ा रहे तो इसके वजह से भी किडनी ख़राब होने का डर रहता है। अत्यधिक शराब का सेवन और अत्यधिक दवाइयों का सेवन, ऐसी दवाइयाँ जो किडनी को नुकसान पहुँचाती है, उनका अत्यधिक सेवन करने से भी किडनी फेल होने का डर रहता है। इसके अलावा किडनी की और अपनी कुछ बीमारियां होती है जिनकी वजह से भी किडनी फेल हो सकता है। कुछ अनुवांशिक कारण भी होते हैं, जैसे कि परिवार में किसी को अगर किडनी रोग हो तो उनके जो वंशज है उनको भी किडनी रोग हो सकता है। किडनी रोग होने पर या किडनी फेल होने के पहले हमारे शरीर में कुछ संकेत या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसमें पहला है शरीर में सूजन होना, चेहरे में सूजन होना, पेशाब का बहुत कम होना या पेशाब बिल्कुल ना होना, या पेशाब का बहुत अधिक होना, बार बार होना, जिसके अलावा पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, भूख कम लगना, थकान लगना, कमजोरी लगना, ये सभी समस्या हो सकती है। किडनी रोग के पहचान के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, इसमें ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल देखा जाता है। इसका लेवल जितना अधिक बड़ा हो उतना ही किडनी ज़्यादा ख़राब होता है। तो समय रहते अगर इसका निदान हो जाए तो डॉक्टर्स द्वारा दवाई से इसे ठीक किया जा सकता है। दवाई से ठीक न होने पर डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस से भी न ठीक होने पर किडनी प्रत्यारोपण भी किया जाता है। भाई ये जानते हैं कि किडनी रोग से कैसे बचा जाए। तो किडनी रोग से बचने के लिए आप डिहाइड्रेशन ना होने दें, यदि उल्टी दस्त हो तो पर्याप्त मात्रा में ORS लें, किडनी में स्टोन होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से उसका इलाज कराएं, तुरंत स्टोन को निकलवाएं, UTI होने पर UTI का तुरंत इलाज करवाएं, BP और शुगर की नियमित जांच कराएं, हर महीने BP और शुगर की जांच कराएं और BP शुगर की दवाई रेगुलर लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अत्यधिक मात्रा में पानी पिएं,
शराब का सेवन कम करें, दवाइयों का सेवन कम करें, बिना किसी कारण के दवाई न लें, कोई भी दवाई अपने डॉक्टर के सलाह पर ही लें। इन सब चीज़ों से किडनी रोग से बचा जा सकता है।